हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीताज वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजीली बन जाने वाला फ्राइड राइस, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए चाहिए छोटे छोटे कटे हुए शिमला मिर्च और गाजर, गरम मसाले और चाहिए बासमती चावल, जिसे हम भिगाएंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। और ये भीगेगा। अब एक बड़ा सा पैन लेंगे, जिसमें हम डालेंगे कम से कम 1/2 कप घी और जो साबुत गरम मसाले हैं वो भी ऐड कर देंगे। इसमें डालेंगे थोड़े से ब्लैक पेपर एंड वॉश्ड एंड सोक्ड राइस। अब हम चावलों को इसी घी में अच्छे से फ्राई करेंगे कुछ अबाउट 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर। अभी चावल अच्छी तरह से भून गए हैं और इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। चावल 2 कप के करीब है, तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, जितना भी आपको स्वाद अनुसार लगेगा उस हिसाब से। और इसको थोड़ा सा हिला के हम कवर करके कुक करेंगे। हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता। चावल तैयार है हमारे 20 मिनट तक पकने के बाद। अब इसको थोड़ा सा मिला के अलग अलग कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब एक छोटे से फ्राइंग पैन में हम फिर से घी गरम करेंगे थोड़ा सा। इसमें हम गाजर को फ्राई करेंगे। गाजर को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। जब तक ये नरम नहीं हो जाता और इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। हम इन दोनों को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ये दोनों अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। हमें इन्हें लाल लाल या फिर इसका कलर चेंज नहीं करना, कलर इनका ऐसे ही रखना है। हल्के आंच पे इनको हम हिलाते हुए कुक करेंगे। और ये है भीगे हुए किशमिश और 1 चम्मच चीनी हम इसमें ऐड करेंगे और इनको भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे 2-1 मिनट तक, ज़्यादा नहीं। अब 2-3 मिनट तक इसे पकाने के बाद हम वापस चावलों को गैस के ऊपर रख देंगे और इसमें ये मिश्रण हम मिक्स कर देंगे। अब हमें चावलों को हल्के हाथों से हिलाते हुए इसे मिक्स करना है। ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं और ज़्यादा तेज़ी से नहीं मिलाना, ताकि चावल टूटे नहीं, इंटैक्ट रहे। अब हम इसको कम से कम 5-6 मिनट के लिए और हल्की आंच पे कुक करेंगे ढक्कन लगा के। और तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजीली बन जाने वाले फ्राइड राइस। आप भी एक बार ऐसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। कोई अगर अचानक से घर पे आ जाए और हमारे पास कुछ ना हो, हम ये चावल बहुत ही जल्दी से बना के सर्व कर सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इंग्रेडिएंट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।